आज ट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट का करो बस की एक, एक किलोग्राम दो किलोग्राम तीन किलोग्राम दस तक दस किलोग्राम तक है तो के द्रव्यमान एक एक दो दो तीन तीन दस दस बिंदुओं पर रखे हुए हैं तो उनके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक पे विभिन्न द्रव्यमान है जो विभिन्न बिंदुओं पर रखे हैं तो जैसे ये हो गया एक एक बिंदु पर रखा एक के जी एक एक पे एक के जी रखा है कहाँ पे एक एक पे फिर इसी प्रकार दो किलोग्राम रखा है दो किलोग्राम रखा है दो दो पे दो किलोग्राम यहाँ पे ले लिया ये दो किलोग्राम है ये कहाँ पे रखा है ये दो दो पे रखा है दो दो पे रखा है इसी प्रकार आप तीन किलोग्राम ले लेंगे ऐसे तीन तक और आखिरी में दस तक रखा है, है ना तो ऐसे डैश 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 लगा दिया और आखिरी में क्या रखा है दस किलोग्राम तो दस किलोग्राम रखा है दस दस पे दस दस पे तो एक तो इनके द्रव्यमान केंद्र के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों बराबर होंगे तो हमें अलग अलग ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है हम क्या कर लें द्रव्यमान केंद्र का एक्स निर्देशांक एक्स सी एम बराबर वाई सी दोनों बराबर होंगे और दोनों का मान क्या होगा तो द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान को स्थिति से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान है एक स्थिति है एक तो ये हो जाएगा एक इंटू एक प्लस दूसरे का द्रव्यमान है दो दो किलोग्राम स्थिति है दो तो ये हो जाएगा प्लस तीसरे का द्रव्यमान जो है तीन है और स्थिति कितनी है भी वो भी तीन है प्लस ऐसे ही हो जाएगा दस दस तक इस तरह से चलते चले जाएंगे तो आखिरी में हमें क्या मिलेगा ये मिलेगा प्लस दस दस प्लस दस 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 गुणे दस मिलेगा दस किलोग्राम गुणे दस और नीचे आएगा कुल द्रव्यमानों का योग तो कुल द्रव्यमानों का एक कितना हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश, डैश 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 और ये दस पदों तक होगा अब यहां पर हम सूत्र लगा ले ना सूत्र एक्ससी या वाई वाई सी का भी यही होगा क्योंकि मान तो सभी समान है तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख ले तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा डैश डैश डैश, डैश प्लस दस का स्क्वायर दस का स्क्वायर और यहां पर कितना हो जाएगा यहाँ पर तो सीधे वन प्लस टू प्लस थ्री और प्लस डैश 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 डैश, 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 डैश प्लस ये हो जाएगा दस अब अगर हमें अगर हमें क्या इसमें सूत्र याद ही होना पड़ेगा तो स्क्वायर के पदों का जो सूत्र है उसमें वो क्या होता है कि उसमें पहला n इंटू एन प्लस वन इन टू एन प्लस वन है ना uh, बटे सिक्स तो यहां पर जो एन का मान है वो दस के बराबर है तो मैं सूत्र बिना लिखे बता रहा हूं एन की वैल्यू यहां पर दस है ये एन की वैल्यू दस है तो आप पहले क्या लिखेंगे एक पहले लाइन खींच लेंगे ये हो जाएगा ऊपर दस हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन है ना एन प्लस वन यानी दस प्लस वन हो गया तो सूत्र के रूप में लिख रहा हूं और तीसरा होता है इंटू टू एन प्लस वन यानी टू इंटू टेन प्लस वन टेन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स अच्छा इसका तो सीधा होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू तो इसका तो एन का मान वही दस के बराबर है तो दस गुणे दस प्लस वन दस प्लस वन बटे दो कुछ चीजें यहाँ पे निरस्त कर लीजिए क्या निरस्त हो जाएगा ये दस प्लस वन निरस्त हो जाएगा दस निरस्त हो जाएगा दस निरस्त हो जाएगा दस प्लस वन निरस्त हो जाएगा यहाँ पे दो जाएगा तो तीन बचेगा तो यहाँ पे तीन बच जाएगा तो अब ऊपर सिर्फ तो कितना बच गया ये बच गया हमारा तीन नीचे बच गया ऊपर बच गया दो गुणे दस प्लस बीस इक्कीस तो इक्कीस बटे तीन ये सीधा सा छोटा सा उत्तर आ गया इक्कीस बटे तीन है ना 21 बटे तीन तो ये आएगा 21 बटे तीन तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 21 बटे तीन इकाई इकाई तो इसमें दी नहीं जो भी इकाई है मीटर यूनिट तो यूनिट लिख देते हैं तो x जो x निर्देशांक है द्रव्यमान केंद्र का और y निर्देशांक है द्रव्यमान केंद्र का दोनों बराबर होंगे और वो होंगे x बटे 21 बटे यूनिट तो यही इस प्रश्न का उत्तर है इक्कीस कि बटे तीन यूनिट कक्षा छब्बीस से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी वो एडवांस के लेवल तक एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप